नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्मिता शर्मा। खबर रतनगढ़ से है, जहाँ पर वार्ड 5 में बंद मकान में काफी लाखों की चोरी की वारदात को आज पुलिस ने खुलासा किया। साथ ही आपको बता दें कि एसपी की गठित टीम ने इन चोरों की यानी दो चोरों की वारदात को अंजाम का खुलासा किया और किस तरीके से इन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, यह सीधा आपको दिखाते हैं अपनी इस खास खबर में। रतनगढ़ के वार्ड 5 की बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी की ओर से गठित स्पेशल टीम ने दो छात्र चोरों को भी गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने तहसील में 10 से अधिक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 42,26,000 रुपये, 5 किलो चांदी और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। चोरों की इस खुलासे में सीसीटीवी की अहम भूमिका रही और पूरे मामले का एसपी डी आनंद ने पुलिस थाने में हुई प्रेस वार्ता में खुलासा किया है। एसपी डी आनंद ने बताया कि गिरफ्तार चोर अभिषेक जांगिड़ व वार्ड 33 निवासी जयंत शर्मा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि दोनों ही छात्र चोर हैं, जिन्होंने शहर के वार्ड संख्या 5 में गोपीराम प्रजापत के बंद मकान में वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 80 लाख रुपये नकद, सोने चांदी के जेवरात व एक मोबाइल भी चुरा लिया। एसपी ने बताया कि छात्र चोर चुराए गए माल को अलग अलग जगह और ठिकाने लगाकर दोनों अलग अलग दिशाओं में फरार हो गए थे। एसपी ने बताया कि एक आरोपी बीकानेर की तरफ से दूसरा हरियाणा के गुड़गांव की तरफ चला गया था। जांच के दौरान एक कुख्यात अपराध व लुटेरा छापर निवासी मुकेश दान उर्फ 76 साल उर्फ MD चारण को भी गिरफ्तार किया गया था। साथ ही जिसकी मुंबई, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर पुलिस को लूट और चोरी के मामले में तलाश थी, आरोपी MD चारण को जयपुर के माणक चौक पुलिस को सौंप दिया गया है। फरवरी की रात को एक श्री गोपीराम जी, जो रतनगढ़ कस्बे के निवासी हैं, उन्होंने अगले दिन पुलिस में ये सूचना दी थी कि उनका रहवासी मकान जो रात में बंद पड़ा हुआ था, उसमें रात में किसी ने गृह भेदन करके और चोरी करी है, जिसमें उनका भारी मात्रा में कैश, कुछ जेवरात और कुछ चांदी जो है वो चोरी करके ले गए हैं। उसी सिलसिले में उससे पूर्व में और उसके एक दिन बाद भी कुछ छोटी मोटी नकबजनी चोरी रतनगढ़ कस्बे में लगातार हो रही थी और ये जो पर्टिकुलर चोरी थी, इसमें माल मसरूका अत्यधिक होने के कारण एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एडिशनल SP सुजानगढ़, CO सुजानगढ़, CI जो SHO सुजानगढ़ हैं वो, साथ में थाने की एक टीम, DST की एक टीम यहाँ पे कैंप कराई, जिसने अथक प्रयासों से इस प्रकरण को सफल बनाया है, जिसमें दो मुलजिम, एक का नाम जयंत पुत्र सुशील निवासी रतनगढ़ और दूसरे का नाम अभिषेक पुत्र माणकचंद, दोनों निवासी रतनगढ़, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही से अभी तक जो चोरी किया गया माल था, उसमें से करीब 43 लाख रुपये, 5 किलो चांदी और सोने चांदी के विभिन्न आभूषण जो इस पर्टिकुलर चोरी में गए थे, वो बरामद भी कर लिए गए हैं। इसी तफ्तीश के सिलसिले में एक अन्य कुख्यात क्रिमिनल, जो एक से अधिक राज्यों में लूट नकबजनी की वारदातें कर चुका है, जयपुर माणक चौक थाने में वांटेड है, दिल्ली में, मुंबई में लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसका नाम MD चारण है, उसको भी रतनगढ़ पुलिस की इस टीम ने दस्तयाब किया है और जहाँ संबंधित पुलिस महकमे जहाँ पे ये वांटेड है, उनको अवगत करा के अब सुपुर्द कराया जाएगा। ये दो ही लोग थे जिन्होंने एक संगठन, एक गैंग बना करके और इस घटना को अंजाम दिया था। इनके द्वारा रतनगढ़ कस्बे में करीब 10 वारदातें और भी करना कबूल किया गया है, जिस संबंध में इनकी निशानदेही से उनको आइडेंटिफाई करके और वो सारी जो चोरियां हैं उनका माल मसरू का बरामद किया जाएगा, उन सब प्रकरणों को भी सफल बनाया जाएगा। सर, अन्य चोरियों में क्या इनके साथ और कोई इनके दो के अलावा नहीं था? ये अभी अनुसंधान का विषय है, पर जैसा कि इस चोरी में देखा गया, इनका जो तरीका वारदात है वो यही है कि ये दो लोग पैदल जाते हैं, अपने टारगेट को चूज़ करते हैं और वहाँ मामूली से औजारों से नकबजनी करके और फरार हो जाते हैं। सर, आगे से चोरी की ये प्रकरण है जिसमें बहुत बड़ा योगदान जो रहा है वो CCTV फुटेज का रहा है, उन CCTV फुटेज का रहता है जो प्राइवेट मकानों में, प्रतिष्ठानों में लगे हैं। न केवल वो उनके स्वयं के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि यदि एक कैमरा किसी सार्वजनिक मार्ग की तरफ वो पॉइंट कर दें तो इस तरह की बड़ी वारदातें न केवल खुल जाती हैं, बल्कि क्योंकि अपराधियों को ये डर होता है कि वो पकड़े जाएंगे, तो ऐसी वारदातें होना भी कम हो जाता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।